महाराज इनका आपका अगला प्रश्न है कि संस्कारों की शुद्धि के लिए क्या सेवा करनी चाहिए संस्कारों की शुद्धि के लिए ये जो बच्चों के लिए जो चला रहे हैं लड़कियों के लिए शिक्षण संस्कार उसी के लिए वो प्रश्न पूछा है कि बच्चे उसका संस्कार में और हम हमारी तरफ से क्या सेवा कर सकते हैं जैसे वो लोग अच्छे बने हाँ हाँ सबसे पहली बात तो आजकल जो मोबाइल चला है पहले इससे अपने जहाँ तक शास हम शासन कर सकते हैं हम इनको बचाएं क्योंकि ये जो मोबाइल है इसमें पूरा संसार का सब दृश्य है सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी भी है अगर हम नए बच्चों को मोबाइल में छूट देते हैं तो मन बड़ा चंचल वैसे ही है और उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा वैसा तो जो हम देखते हैं जो हम सुनते हैं वही हमारा चिंतन बनता है और जो हमारा चिंतन बनता है वही संकल्प बनता है जो संकल्प बनता है वही क्रिया बनती है और जो क्रिया अगर मलिन हुई, तो फिर हमारा जीवन ही अपवित्र हो गया संस्कार अपवित्र हो गया ना तो हमारा देखना और सुनना और बोलना इन तीन का साधना में विशेष महत्व है इसलिए बोलने को तो अधिकतर मौन का आश्रय लेना चाहिए और देखने में जब हम चलते हैं तो एक धनुष भर की भूमि को देख करके चले भगवान का चिंतन करते हुए इधर उधर के दृश्य को ना देखें और मोबाइल से बचें मोबाइल बहुत सहयोगी भी है अगर उसको हम संयम के द्वारा प्रयोग करें तो जैसे बहुत दूर देश हमें सूचना पहुंचानी है या कोई घटना है तो हम तत्काल सूचना दे सकते हैं और बहुत दूर देश में होता हुआ सत्संग हम सुन सकते हैं भगवत चर्चा सुन सकते हैं बहुत पॉइंट की बातें हमें मिल सकती है लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ढीले हुए अजितेंद्री हुए तो हमारे लिए वो गलत व्यवहार भी कराने में समर्थ है क्योंकि वो सब दृश्य उपस्थित कर देगा सब बातें तो उससे क्या होता है कि हम अपने साधकों की मानसिक धारा को संभाल सकते हैं जैसे आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में तटिया स्थान है वो आज भी बिजली का प्रयोग नहीं मोबाइल का आप ऑन करके प्रवेश नहीं कर सकते बिल्कुल साधता तो वहां जो पचासों साधक हैं सब प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में सब रज लगाए और अपना सब जो है सावधानी से अगर जरा भी चूक हो ना तो मन का बहुत फिसलने का स्वभाव है वो फिसल सकता है तो हम साधकों को आहार विहार में भी सावधान रखें क्योंकि साधना में आहार का भी बहुत बड़ा हाँ अब आजकल जैसे होटलों का भोजन है बाजारों का बना बनाया भोजन है अगर ये कहीं भी किसी भी तरह से साधक पाते हैं तो वो अपनी साधना में टिक नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही तमोगुणी और रजोगुणी भोजन होता सात्विक शब्द तो हटा ही दीजिए बाजार के भोजन बने हुए भोजन में सात्विक शब्द तो हटा ही दीजिए वो केवल शीशे में बनी हुई मिठाइयाँ आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रहे लेकिन बैक में जो बनाने वाले लोग हैं वो कैसे आचरण वाले हैं कैसी पवित्रता है कैसा उनका विचार है तो जो संसार में है तो जैसे भावे वैसा करें पर साधकों को नहीं पाना चाहिए कलिकाल है अगर ज़्यादा बाजारू चीज़ें खाओगे ज़्यादा इधर उधर तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी केवल साधु का वेश रह जाएगा नहीं तो नौटंकी नौटंकी रह जाएगी रुपया कमाना और खूब विलासिता से जीना यही रह जाएगा साधुता का जो हमारा उद्देश्य है भगवान का साक्षात्कार वैराग्य संयम पूर्वक भजन वो सब छूट जाएगा खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संस्कृति है तभी तो साधु बलि आप बलिराजमान तो ऐसे साधु <laughs> ऐसे मुड़ मुड़ा के भगवान के मार्ग में पूरा जीवन निर्वाह करना है तो जब ऐसे संस्कार मिलते हैं ना तभी आप जैसी विभूतिया होती हैं संस्कार गुरु का आशीर्वाद हाँ संस्कार से ही तो आहार और हमारा संग और हमारा देखना सुनना बोलना इन पर यदि संयम हो जाए तो संस्कार हमारे पवित्र बने रहेंगे हमारे जितने संस्कार पवित्र बने रहेंगे उतने हम भगवान के नजदीक होते जाएंगे और अपवित्र संस्कार संसार के नजदीक पहुंचाते हैं माया के नजदीक पहुंचाते हैं